अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शेख सलीम और कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मनावर का दौरा कर निर्दोष अल्पसंख्यक खलील जिसका मकान प्रशासन ने तोड़ा चर्चा की। मनावर में हुई घटना के संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष शेख सलीम एवं पूर्व अध्यक्ष मुजीम कुरैशी यास्मीन शेरानी मनावर जिला धार में निर्दोष लोगों पर हो रही कार्यवाही के संबंध में पुलिस प्रशासन और थाना प्रभारी ब्रजेश मालवीय से मुलाकात की और चर्चा की, जिसमें पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया कि निर्दोष लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। निर्दोष खलील खत्री का जो मकान गिराया गया, इस बारे में भी चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, धार एसपी आदित्य सिंह और कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन से भी इस मामले में चर्चा की जाएगी कि निर्दोष खलील का मकान आखिर क्यों तोड़ दिया गया। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। हिसाब से चर्चा करिए, हम उसके बाद हम घटना हुई वहाँ पर भी जा रहे हैं। इसके बाद अंत में हम कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मुलाकात करके जो निर्दोष लोगों पर कार्रवाई हो रही है उसके लिए हम उनको बात करेंगे। साथ ही हम चाहते हैं कि हमारे देश की जो गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सभी मिलजुल कर रहे हैं, उसका भी हमने प्रयास करा है। दोनों समाजों के लोगों से बात करी है और समझाइश भी दी है कि जिस तरह की घटना ये हो गई है, आने वाले समय मनावर शहर में इस टाइप की कोई घटना नहीं हो और यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हमारे भाई सब मिलजुल कर रहे हैं। शेख अली चेयरमैन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग। सर, मनावर में जो अभी जो घटना हुई थी पिछले दिन, एक व्यक्ति का मकान भी तोड़ा गया था और आपस में यहाँ कुछ लोगों में शोर यात्रा के दौरान विवाद की जो बात सामने आई थी, उस संदर्भ में यहाँ पर जो रिपोर्ट आई थी उसमें निर्दोष लोगों पर भी, दोषियों के साथ साथ निर्दोषों पर भी कार्रवाई हो गई थी और एक व्यक्ति जिसके सिर्फ किराएदार इस घटना में शामिल थे और मकान मालिक का मकान तोड़ दिया गया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का प्रतिनिधिमंडल हमारे बुजुर्ग कुरैशी जी, यास्मीन जी, हमारे एडवोकेट असर वारसी जी के साथ हम पूरी घटना की जाँच और हर तक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।